क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 15:18, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? किसका रेशियो दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है ना, सीपी बाई एसपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 15:18। हमारा बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमें निकालना पड़ेगा एसपी बाई सीपी, इनवर्स कर देंगे 18 बाई 15। अब देखो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा हम लोगों का? प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हो क्या रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। डिफरेंस निकालना है ना हमें, बस डिफरेंस निकालना है एसपी माइनस सीपी का, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज निकालना है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, मतलब परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज चेंज नेगेटिव आया तो लॉस हो रहा है। इस केस में हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम दोनों का क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? डिफरेंस। और नीचे हमेशा सीपी रहेगा, तो कितने का डिफरेंस है? 3 का। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर लेते हैं ना, एसपी माइनस सीपी 3 डिवाइडेड बाई 15। डिफरेंस ले लो बस, परसेंटेज चेंज निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में पूछा है तो। या फिर 3/15 क्या होगा? 3/15 क्या होगा हमारा? 20%। बात समझ में आ गई? 3/15 मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, 3/15 हाँ 20% हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 20%। 3/15 क्या हो जाएगा? 20%, है ना। बात समझ में आ गई? 3/15 20% हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर है? सीपी हमेशा नीचे आएगा और दोनों का डिफरेंस ले देना है, डिफरेंस लेना है और नीचे सीपी लिखना है। लॉस हो या प्रॉफिट, यहाँ पे हमें जो वैल्यू आएगी वो हमें कैसा देखना है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? सीपी यहाँ पे बड़ा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर सीपी यहाँ, अगर एसपी यहाँ पे बड़ा होता तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर सीपी बड़ा हो जाता तो यहाँ माइनस लगा देते। यहाँ हमेशा पॉजिटिव रखो, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे हम लोग। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्या बोला गया है? द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट बोला गया है यहाँ पे, एसपी बाई सीपी ही दिया हुआ है, एसपी बाई सीपी ही दिया हुआ है। एसपी 21 है और सीपी है 16, है ना। परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज निकालेंगे 21 - 16 5। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ना, दोनों का डिफरेंस लेंगे, एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी, तो डिफरेंस आ गया ये किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। इंटू कितना हो जाएगा? इंटू 100 हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड होगा, 4 ये 125 बाई 4, है ना, 125 बाई 4 72.5, मतलब 36 क्या जाएगा? 125/4%, मतलब 31.25 क्या जाएगा? 31.25%। बात समझ में आ गई? हमेशा एसपी अपॉन सीपी लिखो, हमेशा एसपी अपॉन सीपी लिखो। अगर यहाँ पे परसेंटेज दिया होता बस, और पूछा गया होता सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर कुछ परसेंटेज देके हमसे पूछा गया होता सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, क्या बताइए? रेशियो बताइए। तो वहां भी हम लोग क्या करते, वहां हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तब अगर परसेंटेज गिवन है प्रॉफिट और लॉस का, तो जो ऊपर वाली टर्म रहेगी वो रहेगी प्रॉफिट और नीचे वाली टर्म रहेगी क्या? सीपी। नीचे हमेशा सीपी आना चाहिए। अगर डिफरेंस ले लिया हमने तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया और सीपी और प्रॉफिट का डिफरेंस ले लिया तो एसपी आ जाएगा। तो हमेशा मेन मोटो क्या होता है हमारा? एसपी बाई सीपी को निकालना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ टेबल इज सोल्ड एट 1800 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट परसेंट और एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब 15% का प्रॉफिट अर्न करना है हमें, किसके ऊपर? बेस क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस। क्या हमें कॉस्ट प्राइस पता? नहीं, हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है। यहाँ पे हमें क्या सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस पता लगानी है, तो क्या चाहिए हमें? कॉस्ट प्राइस चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस पता हो जाएगी तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। यहां से तो हमें सीपी नहीं निकल के आ रहा है, हो सकता है यहां से निकले। यहां पे लॉस दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, तो क्या लॉस और सीपी और एसपी में रिलेशन है? बिल्कुल है, लॉस प्रॉफिट एसपी और सीपी चारों में रिलेशन है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस दिए, लॉस दिया तो सीपी निकलेगा, सीपी निकाल के यहां यूज करेंगे तो एसपी निकलेगा। देखते हैं कैसे। हम लोग बेसिक फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिक से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यहीं से सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे? बेसिक से भी इसे करेंगे। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1800 रुपए, लॉस दिया हुआ है 10% का। ठीक है, सीपी हमें नहीं पता है, यहां से हमने सीपी निकालना है। ठीक है, अब यहां पे
दूसरी कंडीशन में हमें एसपी निकालना है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 15% का, और सीपी हमें क्या यहां से निकाल के सीपी यहां पुट करना पड़ेगा, है ना, यही करना पड़ेगा, यही चीज हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो लॉस हो रहा है, हमने लिखा 10, 1/10 लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज में देख फ्रैक्शन में देखते हैं ना, 10% मतलब 1/10। क्या करेंगे, लॉस है मतलब सीपी पहले आएगा, सीपी मान लो हम लोग क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया सीपी को, सीपी हमने मिल लिया एक्स, तो एक्स माइनस एसपी 1800 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी क्या है एक्स है, नहीं पता ना हमें सीपी क्या है, हम लोगों के पास एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये 10x, 10x माइनस एक्स 9x, 9x इज इक्वल टू 1800, तो x की वैल्यू 200 आ जाएगी, 200 रुपए, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 200 रुपए, कॉस्ट प्राइस क्या आ गई 200 रुपए, यहां लिख दिया हमने 200 रुपए। फिर इस कंडीशन का यूज करेंगे, यहां पे हमने CP माइनस SP लगाया है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव लिख रहे हैं और यही हमें लगाना है। प्रॉफिट की बात करी, 15%, 15 मतलब 3/15 मतलब क्या 3/20, SP नहीं पता, अब x नहीं मानेंगे इसे, इसे हम y मान लेते हैं, SP माइनस CP, CP 200 है डिवाइडेड बाय CP, ये कितना हो जाएगा, ये 600 आ जाएगा इज इक्वल टू 20y, और ये माइनस इधर है तो इधर जाके प्लस, ये आ जाएगा 4000, है ना, कितना आ जाएगा 4600 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा y, कितना आ जाएगा y, y आ जाएगा हम लोगों के पास 230 रुपीस, सॉरी कितना आ जाएगा ये 2300 आ जाएगा, ये 600 है। यहां पे क्या होगा, ये 10 का मल्टीप्लाई ये 1800 18000, तो ये 2000 आ जाएगा, यहां से कितना आएगा ये 2000, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6000, और ये आ जाएगा 40000, है ना, कितना आ जाएगा 40000, तो ये 4610, तो ये 2300 आ जाएगा, कितना आएगा 2300 आंसर। बात समझ में आ गई, SP और लॉस दिया तो CP निकालो, CP यहां पुट करो, प्रॉफिट और CP दिया है तो SP निकालो, बात समझ में आ गई, इतना करने से हमारा आंसर आ जाएगा, बात क्लियर है। ये तो बिल्कुल हमारी बेसिक मेथड है, ये हमने क्या किया अभी, बिल्कुल अपनी बेसिक मेथड से किया है, लेकिन हम लोग यहां से करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें यहां पे, हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाने वाले यहां पे, और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे किसकी बात की गई है, लॉस की बात की गई है, तो हमने लिखा 1/10, हमने क्या लिखा, लॉस हो रहा है 1/10, 10% मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हमने लिखा लॉस 10% मतलब क्या हो जाएगा 1/10, इसका मतलब क्या है, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस बाय सीपी, लॉस बाय सीपी होता है ना, लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस बाय सीपी, अब लॉस में से सीपी को हम माइनस कर दें, ये लॉस है हमारे पास और ये कितना है सीपी माइनस एसपी, है ना, यही होता है लॉस, यहां पॉजिटिव लिखेंगे, फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे, यहां पे नेगेटिव यूज नहीं करना है, ठीक है, नेगेटिव यूज नहीं करें इसलिए हम सीपी को पहले लिख रहे हैं, तो यहां से एसपी क्या होगा सीपी माइनस लॉस, ये पहली बार समझ रहे हैं, हमेशा ये काम आएगा, तो ये जो सीपी, इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे हम लोग, सीपी माइनस लॉस कितना आ जाएगा 9/10, तो ये क्या आ जाएगा सीपी माइनस लॉस, एसपी लिख सकते हैं, ये क्या है सीपी माइनस लॉस ही है ना, इसे क्या लिख सकते हैं एसपी, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो अब डिफरेंस क्यों लिया यहां पे, ये कितना है ये सीपी है, ये डिफरेंस क्यों लिया हमने अभी देखेंगे, ये चीज समझ में आ गई, तो यहां से एसपी बाय सीपी आ गई, तो ये जो एसपी बाय सीपी है, अब सीपी की वैल्यू कितनी है, क्या दिया हुआ है हमें, सेलिंग प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस है 1800 और यहां पे है सीपी और ये 9/10, ये कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 200, तो सीपी की वैल्यू आ गई 2000 रुपए, सीपी आ गया 2000, है ना, लॉस था 1/10, लॉस 10% परसेंटेज को हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, अब लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बाय सीपी, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी, सीपी बेस रहेगा, अब लॉस माइनस सीपी, अब सीपी माइनस लॉस, इन दोनों का अगर डिफरेंस ले, सीपी माइनस लॉस, लॉस यहां आएगा एसपी यहां चलेगा, सीपी माइनस लॉस क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस एसपी आएगा,
तो हमने सीपी माइनस लॉस मतलब 10 माइनस 1 किया तो 9 बाय 10 आया, और वो 9 क्या रहेगा, एसपी रहेगा, हमेशा ये करना है। अगर प्रॉफिट होता है उसके लिए भी हम समझेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से एसपी की वैल्यू बताती, सीपी हमने निकाल ली, ठीक है। बाद में क्या बोला गया, प्रॉफिट, क्या बोला गया है बाद में, प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट का, 15% का, ठीक है। अब 15% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 बाई 20, ये क्या है, ये है प्रॉफिट बाय सीपी, क्योंकि बेस तो हमेशा सीपी रहेगा। अब यहां से अगर प्रॉफिट की बात करें तो एसपी माइनस सीपी लिखते हैं हम लोग। अब एसपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, एसपी लिखना है ना, एसपी बाय सीपी चाहिए, तो प्रॉफिट प्लस सीपी। अगर प्रॉफिट की बात हो रही है ना यहाँ पे, यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो इन दोनों को ऐड करना है, अगर यह लॉस है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर ऐड कर दिया हमने तो ये आ जाएगा 23/20, और ऐड कर दिया प्रॉफिट और सीपी को, तो जो नई वैल्यू आएगी वो एसपी आ जाएगी, मतलब 23/20 क्या है, एसपी, और ये सीपी। अब निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, एसपी बाय सीपी, सीपी है 2000, इसका रेशियो 23/20, कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स, है ना, कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स, तो एसपी आ जाएगा 2300 रुपये। अभी हमको टाइम इसलिए लगा क्योंकि अभी हमने पहली बार में समझा, इसलिए हमें टाइम लग रहा है, क्लियर। तो हमने देखा कि हमें किस टाइप से अप्रोच रखनी है, लॉस हुआ तो नेगेटिव और प्रॉफिट हुआ तो प्लस करना है, जिसे हम लोग करते आ रहे थे। क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज ही तो कर रहे हैं हम लोग, जहां लॉस हो रहा है तो नेगेटिव, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा एसपी बाई सीपी, जो हमने परसेंटेज में किया था ये कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। A man sold an article at a gain of 5%. Had he sold it for 240 rupees more, he would have gained 8%. Cost price of the article is. पहले हमसे बोला गया आर्टिकल को बेचने पे 5% का फायदा होता है, प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% मतलब 1/20 प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐड कर लो 21/20, तो ऐड कर लिया, इसके बाद ये आ जाएगा एसपी बाई सीपी, बात खत्म। एसपी बाई सीपी का रेशियो हमारे पास 21/20 आ गया, ये पहली कंडीशन। अब बोला गया है कि हेड ही सोल्ड इट फॉर 240 रुपीस मोर, ही वुड हैव गेन 8%, 8%। अब 8% क्या है हम लोगों के पास, 8% क्या है, यहां पे देखो 8% मतलब 2/25, है ना, ये हो जाएगा 8% 2/25। अब ये क्या बोला गया है, गेन, गेन की बात की गई है ना, गेन हुआ है मतलब पॉजिटिव, मतलब 27/25। अब यहां पे सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस, नई सेलिंग प्राइस रहेगी यहां पे, क्योंकि 240 एड हो गया ना, सोल्ड किया है, तो बाद में सेलिंग प्राइस प्लस 240 हो जाएगा, ये नई सेलिंग प्राइस है। नई सेलिंग प्राइस क्यों, जब 8% का उसको फायदा हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा सेम रहेगी क्योंकि बेस है, जितने में उसने खरीदी है वो तो सेम रहेगी ना, अलग अलग क्या कहते हैं जो खरीदने आएंगे, मान लो कस्टमर एक आया, उसमें उसने कितने की दी, 5% फायदे के साथ दी, अगर उसने किसी दूसरे को या उसी को अगर दी होती 240 रुपये ज्यादा में, लेकिन उसने जो खरीदी है कंपनी से वो तो खरीद कर रख ली ना एक ही बार में उसने, अब वो उसकी चॉइस है कि उसे 5% गेन पे बेचना है या फिर उसे 240 रुपये ज्यादा में बेचना है, वो तो उसकी चॉइस है ना, तो उसने अलग अलग बदल दी। अब कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा ना आर्टिकल का, जो उसकी खरीदी है कंपनी से वो तो सेम रहेगी। अब ये कितना हो जाएगा, ये भी सीपी रहेगा, ये तो क्या रहेगा, ये सीपी रहेगा। अब सीपी निकालना है, एक चीज हमने यहां से नोटिस की कि एसपी बाई सीपी अगर इसे ब्रेक कर ले तो यहाँ एसपी बाई सीपी आ जाएगा और यहाँ 240/CP, तो अननोन क्या रहेगा, एसपी बाई सीपी की वैल्यू रख देंगे तो अननोन सीपी रहेगा, कितना आ जाएगा 27/25। यही चीजें आती, दो इक्वेशन बनती, ये फॉर्मूला हो ही क्या रहा है, देखो एसपी प्लस 240/CP, अगर प्लस 1 ऐड कर दें यहाँ पे, सॉरी माइनस 1 ऐड कर दें, यहां भी माइनस 1 कर दे तो एसपी माइनस सीपी तो बनेगा, यहां भी माइनस 1 कर दे, यहां भी माइनस 1 कर दे तो एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, और यहां भी माइनस 1 हो जाएगा, यहां माइनस की बन किया तो यहां भी हो जाएगा, तो 1/20 मतलब 5%, है ना, हम एक स्टेप आगे चल रहे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और ये एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा 21/20 और ये 240/CP। अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब सबसे पहले एलसीएम ले लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको 108 हो जाएगा, ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा, ये आ जाएगा 240/CP, ये आ जाएगा 3/100 इक्वल टू 240/CP, ये कितना आ जाएगा 80, तो CP कितना आ जाएगा हम लोगों के पास,
सीपी आ जाएगा 8000, कितना आ जाएगा 8000 रुपए। बात समझ में आ गई, क्या किया है हमने, सेलिंग प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगी अगर उसी आर्टिकल की बात, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहेगी और वो रहेगी बेस, चाहे प्रॉफिट की बात करें लॉस की बात करें, कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी। अगर वो टेबल और चेयर की बात करता है तो उन दोनों के केस में कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगी, लेकिन अगर वो टेबल की पहले बात कर रहा है और बाद में भी अगर टेबल की बात कर रहा है तो टेबल की जो कॉस्ट प्राइस रहेगी वो सेम रहेगी जब तक उसने बोला नहीं गया है तो, ठीक है। सेलिंग प्राइस चेंज होगी, सेलिंग प्राइस पे ही डिपेंड करेगा क्या कि उसका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। मान लो उसने जितने में खरीदी उतने में बेच दी तो ना उसका प्रॉफिट हुआ ना उसका लॉस हुआ, है ना ये तो, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सेम है। अब हमने बोला कॉस्ट प्राइस से डेढ़ गुना ज्यादा में बेच दी तो फायदा होगा उसका, हमने बोला कॉस्ट प्राइस से डेढ़ गुना कम में बेच दी तो घाटा हो जाएगा उसका। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे, जितना ज्यादा सेलिंग प्राइस उतना ज्यादा प्रॉफिट, और जो कॉस्ट प्राइस है वो तो सेम ही रहेगा, तो उसके बेस में उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो सेलिंग प्राइस कम ज्यादा होता है वही हमें प्रॉफिट और लॉस देता है। तो बात समझ में आ गई यहां से, तो ये सेलिंग प्राइस बाद में होगा तो सेलिंग प्राइस, लेकिन बाद में सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, बाद वाली कंडीशन में 240 बढ़ा दिए ना उसने, पहले जो एसपी था उससे 240 रुपए बढ़ा दिए, तो रेशियो ये आया, यहां रेशियो ये आया, दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, सीपी की। अगर हम लोग अलग अलग सॉल्व करते तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, एसपी और सीपी में रिलेशन, जो हमने डायरेक्ट निकाल लिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ता और वहां से हमें सॉल्व करना पड़ता, तो वहां से भी यही चीज निकल के आती, वहां एक दो स्टेप ज्यादा बढ़ जाती, यहां भी हमने वही चीज की है, क्लियर है।